नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। भारत में भी मरकज से बरामद हुए कोरोना बमों के बाद से ही कोरोना के मामलों में एक साथ इजाफा हुआ है। भारत में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 24 मार्च से पूरे देश को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन करने का ऐलान किया था, जिसके बाद से ही लोग घरों के अंदर हैं और कोरोना से जंग जीतने के लिए सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। हालांकि कुछ जाहिलों के कानों पर अब भी जू नहीं रेंग रही है। प्रशासन की ओर से लगातार शिकंजा कसने के बावजूद भी लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। साथ ही 14 अप्रैल को 21 दिनों के लॉकडाउन की अवधि भी पूरी होने जा रही है, जिसको लेकर हर किसी के जहन में कुछ सवाल हिलोर मार रहा है कि क्या 24 अप्रैल को लॉकडाउन को हटाया जाएगा या फिर इसकी अवधि को आगे बढ़ाया जाएगा। अगर आगे बढ़ाया जाएगा तो कब तक। इन सब सवालों के बीच देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने है। दरअसल कोरोना वायरस के संक्रमण को आगे बढ़ने से रोकने की खातिर लगे 21 दिन के लॉकडाउन को योगी सरकार ने 15 अप्रैल को खोलने की तैयारी कर दी है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपने सरकार आवास से प्रदेश के सभी सांसद, विधायकों, मंत्रियों और अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुझाव मांगे हैं। सीएम योगी ने कहा है कि जन सामान्य को सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए जागरूक करना और सार्वजनिक जगहों पर इस पर अमल कराना ही हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं चाहूंगा आपका सहयोग, मुझे दो अन्य कार्यों में लेना है और ये दो कार्य जिसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। एक, 15 अप्रैल से लॉकडाउन समाप्त होगा। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मेरे? हाथ से इशारा करके बता दीजिए मेरी आवाज पहुंच रही है। तो मैं चाहूंगा दो कार्य। एक, 15 अप्रैल से लॉकडाउन को हम खोलेंगे तो एकाएक खोल करके जमावड़ा भीड़ का ना होने पाए, इसमें आपकी सहभागिता, इसमें आपका सहयोग। यानी कि योगी सरकार 15 अप्रैल से चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन को खोल सकती है। अब पहले उन जिलों में लॉकडाउन खुलेगा जहां एक भी संक्रमित मरीज नहीं है। इसके साथ ही जिन 30 जिलों में संक्रमण फैला है वहां कुछ पाबंदियों के साथ लॉकडाउन में छूट मिल सकती है। हालांकि स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, यहां पर दुकानों को एक समय अवधि के लिए ही खोला जाएगा। इसके साथ ही सरकारी दफ्तर में भी जरूरत के हिसाब से ही कर्मचारियों को बुलाया जाएगा। लॉकडाउन में छूट के दौरान भी लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन करना हो तो वे सीएम योगी ने कहा है कि अब तक तबलीगी जमात से जुड़े 1499 लोगों को चिन्हित किया है। इन लोगों ने अव्यवस्था और अराजकता फैलाने का प्रयास किया। इनमें से 385 ज्यादा विदेशी भी इसमें शामिल हैं। सीएम योगी ने कहा है कि प्रदेश सरकार इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर रही है। यानी कि साफ है कि बेशर्म जमात की नापाक हरकत से पूरा देश कोरोना की मार झेल रहा है और यही वजह है कि लॉकडाउन को खोलने को लेकर संशय बना हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या की बात की जाए तो यह आंकड़ा 200 के पार पहुंच चुका है। इसको देखते हुए शासन प्रशासन स्तर पर अलग अलग निर्देश दिए जा रहे हैं। रविवार को गौतमबुद्ध नगर में भी 30 अप्रैल तक के लिए CRPC की धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही लोगों से स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई बेवजह बाहर टहलता हुआ नजर आया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खराब देखना यह होगा कि योगी सरकार 15 अप्रैल से चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन किस तरह से खोलती है। घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।